परम श्रद्धेय स्वामी हिरदाराम और श्रद्धेय सिद्धुभाव की प्रेरणा से जीव सेवा समिति और जिला अंधता नियंत्रण कमेटी के सहयोग से पुष्कर स्थित ऋषि गोधुमल चिकित्सालय और आई केयर सेंटर में 7 अप्रैल से 10 अप्रैल तक 4 दिवसीय कृत्रिम लेंस प्रत्यारोपण नेत्र शिविर का शुभारंभ रविवार को किया गया। भगवान झूलेलाल और स्वामी हिरदाराम साहिब के चित्र पर दीप प्रज्वलित कर किया गया। जीव सेवा समिति के सचिव जगदीश वच्छानी ने बताया कि 215 रोगियों की जांच करने के बाद 71 ऑपरेशन योग्य रोगियों को भर्ती कर लिया गया, जिनके 8 अप्रैल को ऑपरेशन होंगे। शिविर में वरिष्ठ नेत्र रोग विशेषज्ञ डॉक्टर एल के नेपालिया, डॉक्टर टी एन मोतियानी, डॉक्टर प्रीतिलाल सेवाएं देंगे। रोगियों के आवास, बिस्तर, भोजन, दवा, चश्मे, लेंसेस आदि का सभी व्यवस्थाएं समिति की ओर से निःशुल्क रखी गई है। शिविर का आयोजन अनंत श्री सुखराम महाराज रामसिंह संप्रदाय के आर्थिक सहयोग से किया जा रहा है। स्वामी हिरदाराम जी एवं श्रद्धेय सिद्धभाव जी की प्रेरणा से जीव सेवा समिति अजमेर एवं जिला अंधता नियंत्रण कमेटी के संयुक्त तत्वावधान में पुष्कर स्थित ऋषि गोधुमल आई केयर सेंटर में 54वां कृत्रिम लेंस प्रत्यारोपण शिविर का आयोजन किया गया। इस शिविर का विधिवत उद्घाटन इस शिविर के प्रायोजक श्रीमती सूरज देवी बजाज ने श्रद्धेय स्वामी हिरदाराम जी, गुरु नानक देव जी और झूलेलाल जी के चित्र के आगे किया, दीप प्रज्वलित कर किया। इस अवसर पर अनेक सिडनी समाज के एवं अन्य गणमान्य नागरिक यहाँ उपस्थित रहे। शिविर में रोगियों की जांच एवं ऑपरेशन डॉक्टर एल के नेपालिया, डॉक्टर डी एन मोतियानी एवं डॉक्टर प्रीति लाल कर रहे हैं। शिविर में लगभग 215 रोगियों की जांच कर 71 रोगियों को भर्ती किया गया, जिनके ऑपरेशन कल यहाँ 8 तारीख को किए जाएंगे। रोगियों के आवास, बिस्तर, भोजन, दवा, चश्मे, ऑपरेशन आदि की समस्त व्यवस्थाएं निःशुल्क की गई हैं।